नमस्कार दोस्तों। हाँ तो भाई, आज हम जो है अपने सत्यम होम स्टे सोजा से निकल करके जिबी की तरफ जा रहे हैं, और हमारे सत्यम होम स्टे से 1 किलोमीटर की रेंज में काफी सारे होम स्टे, होस्टल्स, होटल्स वगैरह हैं जहाँ पे सैलानी आके ठहरते हैं। भाई लोगों, आज की ड्राइव बड़ी मजेदार है। ये लगभग 5-6 किलोमीटर की सीधी ढलान है, 30 डिग्री से 40 डिग्री। जगह जगह यहाँ बोर्ड भी लगे हुए हैं, आप फर्स्ट या सेकंड गियर में ही चलें, न्यूट्रल पे चलने की गलती ना कर दें, क्योंकि न्यूट्रल पे चलने पे आपका एक पांव लगातार ब्रेक पे रहता है और ब्रेक से घिस होके एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना रहती है। सो सेफ्टी पूर्वक चलने के लिए फर्स्ट और सेकंड गियर का ही इस्तेमाल करना। आपको सीधी सड़क नजर आ रही है, पर 30 से 40 डिग्री की ढाल है। यहाँ से खूबसूरत नजारों के देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तीर्थन वैली में पाइन ट्रीज की बहुतायत है, इतने ज्यादा हैं और ये सब हरे भरे आपको लगाते हैं पूरा एटमॉस्फेयर, दिल खुश हो जाता है। आज का हमारा एक और ऑफ बीट डेस्टिनेशन जिबी है, और हम ये पहुंच गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग घूमना शुरू करते हैं। यहाँ की छोटी छोटी कुंज गलियों से होते हुए लोकल निवासियों का रहन सहन देखते हुए महसूस कर रहे हैं कि यार कितनी बढ़िया जगह रहते हैं ये लोग। भाई यहाँ पे रोजमर्रा की सारी चीजें मिल जाती हैं, अगल बगल आपको ढाबे रेस्टोरेंट भी हैं, सुबह सुबह बढ़िया खाने खुशबू आ रही है। यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन काफी काम चल रहे हैं, आपके लिए आने वाले समय के लिए काफी सारे होटल, होम स्टेज वगैरह आपको मिलेंगे बड़ी जल्दी। चूंकि आप भी डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे इंडियन से ज्यादा फॉरनर आते हैं, अभी आगे चल के आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा। तो भाई यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में मेन लागत जो है उसकी माल ढुलाई की आती है। लिविंग कास्ट तो इतनी नहीं है, पर माल लोडिंग अनलोडिंग का बड़ा खर्चा आ जाता है। पहाड़ों पे बनते हुए कंस्ट्रक्शन देखना भी एक सुखद अनुभव है। ऐसे ढाल वाले शेड्स बनाए जाते हैं ताकि बर्फ उन पे ना जमे। ये सारे आप छतें देख रहे हो, कोई भी प्लेन छत नहीं मिलती आपको, ताकि बर्फबारी के समय में नुकसान ना हो, क्योंकि इन पे 3-3, 4-4 फुट बर्फ जमती है सर्दियों में कम से कम। तो भाई यहाँ के लोकल लोगों ने बताया जीबी में एक जगह है मिनी थाईलैंड, तो हम लोग वहां पे जा रहे हैं। तो भाई मिनी थाईलैंड की खोज में हम आगे चलते चले जा रहे हैं और रास्ते भी इंजॉय कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको बताया भाई, यहाँ पे बड़ा सेंसिटिव होना पड़ता है ट्रैफिक में, कोई साधन आ रहा है तो आगे पीछे होके एडजस्ट करके उसको जगह दो, खुद रुको या उसको निकलने दो, जाम लगाने कोई फायदा नहीं। वैसे तो भाई लोगों, जीबी घूमने का मुख्य समय जो है मार्च, अप्रैल, मई, इस समय मैक्सिमम टूरिस्ट आता है, लेकिन हम लोग थोड़ा ऑफ बीट समय में जानबूझ के चलते हैं, भाई भीड़ भाड़ जरा कम मिले और नजारों की खूबसूरती पे इंतहा मिले, क्योंकि भीड़ भाड़ में वो मजा नहीं आता। थोड़ी सी बारिश वारिश हो जाए तो उसके बाद मौसम ऐसा खुल के आता है कि बिल्कुल दिल बाग बाग हो जाता है। वहां की मिट्टी की खुशबू इतनी बढ़िया आती है बारिश के बाद। जीबी की सबसे खूबसूरत चीज ये है कि इसमें जीबी जीरो पॉइंट पे ही तीर्थन नदी बिल्कुल बह रही होती है शहर के बीचों बीच, उसके अगल बगल ही जीबी पूरा बसा हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं, उस नदी के किनारे ही काफी सारे होटल, रेस्टोरेंट्स, सब उसके बिल्कुल अगल बगल ही हैं। इतनी खूबसूरत नदी, उसका प्रवाह, मतलब आप घंटों तो सिर्फ इस नदी के अगल बगल ही बैठ सकते हो। इसके बगल में एक पैदल पाथ बना हुआ है जिसपे लगभग आप 1-2 घंटे का पैदल ट्रैक है, आप चाहो तो उस पर जा सकते हो। हम लोग भी गए हैं थोड़ी देर के लिए। ये रिवर व्यू होटल्स ही बने हुए हैं सारे यहाँ। जीबी के सारे बेहतरीन होटल्स, रिजॉर्ट्स सब इस नदी के किनारे अगल बगल ही बनाए गए। हम लोग तो सोजा में रुके थे जो यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर है, लेकिन वो बेसिकली हम लोग वहां इसलिए रुके थे कि वो बिल्कुल बीच में पड़ जाता है जरोली पास और जीबी के, वो उसका अपना अलग मजा है भाई। लेकिन घूमने के लिए तो वहां से 5 किलोमीटर नीचे उतरना, आप भी हमारे साथ इस नदी का प्रवाह, तीर्थन नदी का प्रवाह एंजॉय करिए।
किसी भी रेस्टोरेंट होटल में बैठ के वहीं पे एंजॉय करिए आप। अब भाई फिर हम लोग यहाँ से जरा धागे मिनी थाईलैंड की खोज में, लोगों ने बताया जरा धागे। भैया ये बताया मिनी थाईलैंड किसको बोलते हैं? मैंने नाम रखा मिनी थाईलैंड, अपना एक नेचर वाला स्पॉट है उसका मिनी थाईलैंड। यही यहाँ से आगे जाइए और नीचे राइट, नीचे रास्ता है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, यहाँ पार्क कर सकते हैं, अपने स्टेयर लगे हैं यहाँ से, रिवर से साथ साथ में जा सकते हैं। अच्छा ठीक, वहाँ से भी जा सकते हैं नीचे, आगे से भी। अच्छा जैसा उसने बताया, हम लोग आगे की तरफ बढ़े और रास्ते हम लोग को नजर आए नदी किनारे किनारे। उम्मीद है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करा होगा, नहीं कराओ तो कर लो भाई, ऐसे खूबसूरत नजारे हर बार आपको दिखेंगे। एक ट्रेवल स्काउट आशीर्वाद देता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो सैमसंग से सेल्फी ले रहा भाई, धोखे में ना रहिए। भाई लोगों, ये रास्ता जा रहा है मिनी थाईलैंड की ओर, आप भी चलो हमारे साथ, नेचर वॉक करने का मजा ही कुछ और है। बड़ी उम्मीद से जा रहे हैं भाई, कोई अनोखी जगह होगी, थाईलैंड जैसा फील आएगा। नदी किनारे किनारे चलते हुए मजा तो बड़ा आ रहा है, लेकिन भाई साहब वहां पहुंच के थोड़ा सा दिल धक से हो गया। ओए ये क्या, ये तो किसी लोकल बंदे ने अपना मिनी थाईलैंड बना रखा है। देख के हंसी भी छूटी और मजा भी आया। भाई अच्छा वाला आदमी का पोपट ऐसा ही बनता है। चलो आप लोग भी एंजॉय करो। खैर कुछ भी हो, नजारे तो अगल बगल खूबसूरत ही हैं। और भाई आगे एक बहुत बढ़िया छोटा सा पतला सा सकरा सा पुल आ रहा है, बैचलर लोग एंजॉय कर सकते हैं। हमको तो हमारे ट्रेवल स्काउट ने मना कर दिया, भाई आप लोगों के लिए चैलेंज है, हो जाओ बढ़िया बढ़िया। अगर मैं आपको आड़ू आड़ू के पेड़ भी नजर आएंगे, चाहो तो तोड़ के खा लो, कोई मना नहीं कर रहे यहाँ पे, नेचुरली उगे हुए हैं। पुल पे पार जाने का मजा लीजिए। मन तो बड़ा कर रहा था, पर भाई शादीशुदा लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है, काफी सारे कंट्रोल रहते हैं, रिमोट कहीं और रहता है, आप लोग जाओ, तब तक हम देखने का ही मजा लेते हैं। भाई लोगों, नदी का प्रवाह देखिए और अखंड आनंद की अनुभूति कीजिए। इन हरी भरी वादियों के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे जिवी वाटरफॉल पर। रास्ते में आप लोगों को जाते जाते कुछ अच्छे होटलों के नंबर देते जाएंगे, आप चाहो तो बुकिंग करा लो घर बैठे बैठे ही। जिवी वाटरफॉल की हमने कई लोगों से तारीफ सुनी है, आज देखना भी है, आप भी चलिए साथ में। ये पानी वहीं से तो आ रहा है घूम फिर के। भाई ये कुछ होटलों के नंबर नोट कर लो जो बिल्कुल जीवी नदी के किनारे ही हैं। भाई ये वाटरफॉल वाली सड़क पे हम निकल लिए हैं, जो तीर्थन नदी वाली जगह से मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पे होगी, और ये हिमाचल टूरिस्ट का एक मुख्य स्पॉट है। यहाँ से आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ती है जो पर पर्सन 20 रुपीज की है। विंडो देख के लगा था कि आर्टिफिशियल फॉल होगा, पर भाई सारे मिथक टूट गए, अंदर जो बेहतरीन नेचुरल पार्क है, मजा आ गया। भाई जीवी वाटर पार्क की तरफ जा रहे हैं, अब हम आपको एक्चुअल नदी की आवाज सुनाएंगे। भाई हिमाचल टूरिस्ट की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने इस नेचुरल वाटरफॉल के साथ इतना बेहतरीन सामंजस्य बिठाते हुए निर्माण कार्य किया है कि आनंद की अनुभूति ज्यादा ही बढ़ गई। ऐसे ही बीच में आपको छोटे छोटे 8-10 पुल मिलेंगे जो आपको जिग जिग करते हुए वाटरफॉल की तरफ ले जाएंगे, और बीच में आपके नीचे से वाटरफॉल का पानी या कह लें नदी का पानी निकलना होगा। वाटरफॉल तो भी आगे जाके है, तो हम लोग झरने की तरफ बढ़ रहे हैं।
इमेजिन कर रहे हैं कि झरने से हमारे पास हवा की फुहारों के साथ पानी आ रहा होगा। मौसम ठंडा है, नहीं तो नहाने का भी आनंद लेते। ये हार्डली 1-2 किलोमीटर की राइड होगी हमारी पैदल ट्रैक, लेकिन बहुत खूबसूरत रास्ता बनाया हुआ है नेचर के साथ मिलके। निर्माण कार्य फुटपाथ ही बनाया बस। यहाँ पे आप घंटों लगा सकते हो। एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर आ रहा भाई। कई बार तो सही बताया हमने इससे पानी भी पी लिया, फ्रेश मिनरल वाटर। मानसून में आने का एक जो फायदा तो यही है कि आपको वाटर फ्लो बिल्कुल बेहतरीन मिलता है। गर्मियों में हो सकता है ना आए, कल कल की आवाज अपने आप में एक हीलिंग इफेक्ट बढ़ा देती है। अगल बगल भरपूर ग्रीनरी, बीच जंगल में लग रहा है जैसे हम खड़े हैं और हमारे सामने स्रोते का पानी या झरने का पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, जिसको हम वाटरफॉल कह देते हैं, पर है तो बेसिकली ये नेचुरल झरना। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे सुखद अनुभूति बढ़ती जा रही है। अचानक अंदर से आवाज आती है, क्या खूबसूरत नजारा है भाई, वाह वाह, प्रकृति की बलिहारी। यहाँ पे आप कल कल करती हुई आवाज सुनिए, मन अंदर से झूम रहा होता है बिल्कुल। नेचुरल वाटरफॉल का मजा ही कुछ हो रहा है। ये हमारे शहरों के आर्टिफिशियल वाटर वर्ल्ड से कहीं अलग। नीचे नहाने की जगह बनी हुई है पर भाई हिम्मत नहीं पड़ी, पानी ठंडा था पर पीला। ये आवाजें आपको मंत्रमुग्ध कर देती हैं, ऐसा लगता है जल तरंगे वीणा सब इकट्ठे बज रही, पूरा डीजे फ्लोर वाटर वर्ल्ड में। फॉरनर्स अपना फोटो सेशन कराते हुए, हमारी इनसे थोड़ी सी वार्तालाप हुई। भाई लोग इजराइल से आए हुए थे और यहीं पास में ही रुके थे। बताइए वो लोग मजा लेने यहाँ आते हैं और यहाँ हमको इंडियन टूरिस्ट गिनती के नजर आ रहे हैं। आप लोगों का भी एक बार आना तो बनता ही है। तो दोस्तों एक ओपन सीक्रेट और बताऊं, झरने के पास बैठ के उसके संगीत का आनंद लेने से बेहतर कुछ भी नहीं भाई साहब। घंटा भर तो हम वहां ऐसे ही बैठे रहे, पानी की फुहारें साथ में संगीत। यहीं पे कहीं किनारे बैठ जाइए, मेडिटेशन के लिए इससे बढ़िया जगह नहीं। सिर्फ हमारे साथ यहाँ की खूबसूरती निहारी। स्लिपरी जगह होती है, यहाँ पे आपको अपने फुटवेयर का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जिससे आपको चलने में भी दिक्कत ना हो, और ग्रिप भी बनी रहे। तो भाई क्रॉक्स आर द बेस्ट, क्योंकि बाकी शूज या तो गीले हो जाएंगे और स्लीपर आपका स्लिप करेंगे। बहरहाल आप झरने का आनंद लें। कल कल करती ध्वनि का मजा लें। उम्मीद है हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, ना भी पसंद आया होगा, झरना तो पसंद आया होगा।
उसके नाम पे ही लाइक दबाओ, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। हाँ भाई, हमारे दर्शक ध्यान से देख रहे हैं, हमें और मेहनत करनी है। तो भाई लोगों, इन खूबसूरत नजारों के साथ ही हम आपको बाय बाय करेंगे, और इसके बाद यहाँ से हम आपको सांगढ़, जो कि एक बेहतरीन मीडो है, वहां से होते हुए मनाली ले चलेंगे। तो साथ बने रहिए ट्रेवल स्काउट्स के, और साथ ही साथ बाय बाय, फिर मिलेंगे सांगढ़ में, जो कि हमारा नेक्स्ट ब्लॉग है।